मऊगन तहसील क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर काणी सहित 7 जगहों में हीरा मिलने की खबर लगते ही जमीन खरीदारों की लगी लाइन। मऊगन तहसील क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर काणी सहित 7 जगहों में हीरा मिलने की खबर लगते ही उन गांवों की तरफ भारी संख्या में जमीन खरीदार पहुंचने लगे हैं, जिसकी वजह से अब वहां की जमीनें भी महंगी हो गई हैं। अभी हाल ही में खनिज विभाग द्वारा हीरा खदानों के लिए निविदा बुलाई गई है, जिसकी अंतिम तिथि 9 अगस्त तय की गई है, जिसमें खनिज विभाग द्वारा मऊगन तहसील क्षेत्र के सीतापुर काणी मलकपुर टीपा बदौर गढ़वा हिनौती सहित आदि सरई गांव में हीरा खदान के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। खनिज विभाग की निविदा जारी होते ही इन गांवों में जमीन खरीदारों की लाइन लग गई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ख्वाजा जी। यहां इस क्षेत्र में हीरा मिलने की खबर सामने आ रही है, इस बारे में क्या कहना है आपका? 2-3 साल पहले पता चली थी, अब तो सर्वे हो रहा है, अब तो खुशी मना रहे हैं सब जी। तो अभी ये कौन सा इलाका है जहाँ? ये काड़ी। तो हीरा का जो सर्वे हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? अरे बहुत जगह हुआ था जी। तो यहाँ पर भी सर्वे हुआ था? यहाँ भी हुआ था, काड़ी में भी हुआ। तो अभी सुनने में आया है कि जब से हीरा मिलने की खबर आ रही है, तब से लोग यहाँ जमीन उमीन भी खरीदना शुरू कर, बहुत खरीद रहे हैं लोग। तो किस संबंध में लोग जमीन खरीद रहे? वही हीरा मिल के मुआवजा मिलेगा मेरे को। अच्छा, तो आपने भी जमीन लिया क्या? नहीं, मैं तो नहीं लिया। नहीं लिया जी। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आदिवासी हैं लोग, नहीं समझते थे, अब समझ रहे हैं, अब जान रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब अधिक जमीन किसकी? ये अभी जो जमीनें हैं ये जंगल विभाग की है? ये तो जंगल विभाग में खड़े हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद।